about it. आप लोग जैसा आप चाहें वो जो मुझे विषय दिया गया था वो था मीडिया और सोशल मीडिया दोस्त या दुश्मन दिया क्या गया था मैंने माननीय जी ने मिलकर तय किया था कि ऐसा विषय है जिस पर बात की जा सके बिल्कुल सही तो क्योंकि बड़े भाई वहाँ पर आपको बात कर रहे हैं बहुत से कुछ लोगों में गुस्सा भी है बीजेपी आई टी सेंटर की नाराजगी है अगर मैं उसी समय आया होता तो मुझे लगता है कि माननीय जी ने फंसा दिया आई टी सेल के प्रोग्राम में बुला लिया या फिर आई टी सेल की भर्ती का इंटरव्यू या टेस्ट ले रहा है इंटरेक्शन देखिए वहाँ पर कहा गया लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि आईटी सेल को आपकी या आपको आईटी सेल की जरूरत नहीं है आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं उनको तो आप फिर मानते हैं आपको फिर मानते हैं और वो नहीं कर पा रहे तभी आप लोगों की सुनवाई हो रही है लोग आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं उनके पीछे नहीं भाग रहे तो आप लोगों को उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है मैं यहाँ पे बैठे कम से कम 5-7 चेहरे ऐसे पहचानता हूँ जिनको मैं जानता भले ना हूँ पर्सनली लेकिन मैं पहचानता हूँ और ईमानदारी से बता रहा हूँ शिवाली मैंने से मेरा कोई परिचय नहीं केवल सोशल मीडिया पे ही मेरा इनसे परिचय हुआ पढ़ा क्या लिखती है कैसा लिखती है फिर देखा स्वराज मैगजीन में लिखती है फिर मालूम पड़ा ऐसे ही मैगजीन भी चलती है फिर वो मैगजीन भी पढ़नी शुरू की इन्होंने लिंक भेजा ट्वीट किया था फिर हमें लगा कि भाई इस विचार को रखने के लिए कौन आदमी हो टीवी पर तो हमने इनको बुलाया क्या पाई तो कहा आई टी सेल ये तो ट्विटर से सीधे टीवी पर चली गई और वहां से अपनी बात सब तक पहुंचाने लगे तो आप लोग जिस माध्यम पे इस वक्त उपलब्ध हैं मौजूद हैं वहां आपको उसमें किसी ऐसे संगठन की या किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है मुझे लगता है जो आपको सैलरी से बांध दे अब फिर वही तय करें कि आप क्या लेंगे क्या नहीं अभी तो आप अपनी मर्जी कमा सकते हो सकता है आपको बुरा लगता होगा कि भाई मान्यता उन लोगों को है प्रधानमंत्री उनसे बुला के मिलता है ठीक है हो सकता है मिलता होगा लेकिन पढ़ता आप लोगों को है उनको बताता है क्या लिखा आपसे आइए लिखा और फिर उनको बताता है कि क्या लिखना है देखो इसने लिखा तुमने लिख रहे उनको ना पढ़ती है इस बात और अगर आपको नहीं लेंगे वहां पे तो फिर आपका मौलिक विचार भी खत्म हो जाएगा एकदम सही आप भी फिर किराए हो जाए और वही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं आप भी उसी फील्ड टीम का हिस्सा हो मेरा ख्याल उससे कोई लेना देना नहीं और ना ही मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ ताकि कल को ये रिकॉर्डिंग देखे या भी लाइव देख रहा हो तो ये ना समझे कि मैं बीजेपी आई टी सेल के प्रोग्राम में बैठा हूँ या बीजेपी आई टी सेल में नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों को देखने दे रहा हूँ वापस आता हूँ मिशन जिसकी शुरुआत रास्ते में हो गई थी एक जगह रास्ते को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि गूगल ने धोखा दे दिया नेटवर्क भी आ रहा है अब मैं खड़ा होकर सोच रहा था इधर मुन्ना कि इधर मुन्ना इधर ट्रैफिक ज्यादा होगा कि इधर ट्रैफिक ज्यादा होगा मैंने सीट बैक खोल दी अब क्योंकि वो आईटीओ था तो वहां तो एक सेकंड में आ जाती पुलिस अभी कंफ्यूजन में मैं इधर उधर का सोच रहा था तो खिड़की में नॉक किया एक ट्रैफिक पुलिस मैन ने साइड पे आ जाइए मैं समझ गया कि भाई फोन हाथ में है बैट लगी नहीं है लाइट ग्रीन हो चुकी है और आप भी सोच रहा हूँ मैं कहीं देता हूँ पीछे वाले को फॉर्म दे रहा हूँ भी गाली दे रहे थे हाथ में कर रहे हैं जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं ना कि गाली दे रहा है तो वो भी गाली दे रहे थे अब उस कंफ्यूजन में तुम देख रही है साइड लगा लो ठीक है साइड लगा लेता हूँ मैंने साइड लगाई गाड़ी दरवाजा खोला अभी उतरा ही नहीं था मैं तो उसने ऐसे देखा अरे सरदार जी मैंने कहा आप ही को तो देख रहा था फेसबुक पे भी अब आप समझिए उसने ये नहीं कहा कि मैं टीवी पे देख रहा था उसने कहा मैं फेसबुक पर देख रहा था आपको मैंने कहा क्या देख रहे थे उसने कहा वो कल आपने जो दंगल में धोया ना उसको वो देख रहा था बहुत बढ़िया करा आपने क्यों से हिंदी में फोटो इनको अब वहां मुझे समझ आया सोशल मीडिया मेरा दोस्त है मेरा दुश्मन है मेरा तो दोस्त ही हुआ वरना वो धर लेता 500 रुपए का चालान काटता लाइसेंस रखवाता एक पेशी डेट और लगवा देता किसी को कहते था पांचों पढ़कर दूंगा 10 दिन के बाद उस दिन छुट्टी वाला भी पड़ जाती बट उसने बड़े प्यार से एक सेल्फी खिंचाई साथ में और बोला कि मैं अभी टीआई को दिखाऊंगा जाके हम तो सारे वहां बैठ के यही देख रहे थे आपका मैं निकल आया खैर इससे पहले भी एक दो बार ऐसे वाकई हुए मैं ऑफिस से निकला फिल्म सिटी में मैंने टैक्सी को इशारा किया चलने के लिए तो उसने कहा कि सर क्या है मैंने कहा ठीक है बड़ा यंग सा लड़का था काला चश्मा लगाया
मुझे लगा शायद मेरे से गलती होगी, ये टैक्सी वाला नहीं है, हो सकता है अपने लिए काम करता। बोला कि क्या बात, तालुक नहीं करोगे क्या? फिर तो मुझे यकीन होगा कि अपने दफ्तर में काम करता होगा, मैं ही देखूँ। बट फिर मैंने नंबर प्लेट देखी, वो पीली काली नंबर प्लेट लिखा था टैक्सी ही है। मैंने कहा भाई तालुक के तो करूँगा मैं, सभी कुछ काम से जा रहा हूँ, करके वापस आना। तो उसने कहा कि इतनी जल्दी वापस क्या जाओगे? मैंने कहा तो यार टैक्सी पर डिपेंड करता है। बोला बैठो कहाँ तक जाना है? मैंने कहा 18 सेक्टर तक जाके लौटना है। हाँ हाँ आ जाए, अभी तो 4:15 हो रहा है, 5:45 आपको वापस लगा दूँ। मैंने कहा ठीक है बैठ गए। बोला आपको पता है 5 से 6 मैं टैक्सी नहीं चलाता हूँ। मैंने कहा तो क्या करते हो? बोला फेसबुक पे आपको देखता हूँ, बैठ के कार्ड खोल के देखता हूँ। सो ये मेरे लिए इनाम था यार। और सबसे बड़ी बात, वो भी टीवी पर नहीं देखता, वो ये जानता ही नहीं कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, मेरा टाइम है नहीं है, कितने बजे का है। उसको इससे मतलब है कि वो फेसबुक पे देखता है मुझे, और फेसबुक के जरिए उसने मेरे साथ एक रिश्ता बना लिया। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स रखे हुए होते हैं कि आपने लिखा था तो हमने रखे आपके पास, इसको हमने फलानी जगह पे कहीं बहस हुई थी तो वहां बोला, उसके बाद उन्होंने हमें बड़ी तारीफ की। हां ये होता है लॉजिक, वो हमारे कनेक्ट बिल्ड हो जाता है, वो दोस्ती हमारी उनके साथ हो जाती है, जानते भले ना एक दूसरे को। टीवी पे हो सकता है उसको मेरे से 10 चीजों पे नफरत भी हो जाए, क्योंकि हर दिन तो एक सी बात नहीं होती टीवी पर, किसी दिन कुछ और बात भी होती है जो बहुत से लोगों को नहीं पसंद आती। लेकिन वहां उसने मेरे साथ एक रिश्ता बना लिया, तो मेरे लिए तो सोशल मीडिया दोस्त ही है। और मीडिया का मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया पूरक है। जैसे उन्होंने कहा ना कि उन्होंने स्थान छोड़ दिया, उन्होंने स्थान ही छोड़ दिया। वक्त बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, तौर तरीके बदलते हैं, जीवन जीने का देखने का नजरिया बदलता है, तो उसमें नई चीजों का स्पेस अपने आप क्रिएट हो जाता है। और नई चीजों का स्पेस कैसे क्रिएट होता है, आप याद कीजिए वो समय जब आप रात में 8:30-9 बजे के लिए बाध्य होते हैं कि समाचार इतने ही बजे आए। अगर आपने 8:30 बजे हिंदी में देखना है तो 9 बजे आपको हिंदी वाला नहीं मिलेगा, फिर 9 बजे अंग्रेजी में, और आप अंग्रेजी में तंग हैं अगर, तो फिर वो आपके लिए निपटे सन्नाटा है, आप उसको देख के कुछ हासिल नहीं कर पाते। आपको 8:30 से 9 का विंडो अपना रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दूरदर्शन 8:30 से 9 या 9 से 9:30 ही हिंदी का समाचार देता है, उसके बाद 24 घंटे का समाचार चलने लगा, उसने आपको आपकी भाषा में हर समय समाचार देना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको ये लगा यार ये तो अपनी बोलता रहता, हमारी तो सुनता नहीं, तो अब हमारी कैसे सुनेगा। ये उस माध्यम ने महसूस किया कि मुझे एक्सपेंशन के लिए लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। तो उसने क्या किया, पहले उसने ग्राउंड इवेंट करने शुरू किए, जो बहस टीवी स्टूडियो होती थी उन्होंने आपके शहर में लाके करने शुरू किए, ठीक है नहीं, चुनाव के समय में निकलना शुरू कर दिया, चुनाव यात्रा निकाल रहे हैं, चुनाव रथ निकाल रहे हैं, आज करनाल में रुकेंगे, आज कुरुक्षेत्र में रुकेंगे, आज चंडीगढ़ में रुकेंगे, आज पंचकुला में रुकेंगे, आज जीरकपुर में रुकेंगे, आज अंबाला में रुकेंगे, उस शहर में प्रचार करना शुरू किया, शाम को 6 बजे इस पार्क में प्रोग्राम होगा आप लोग आइए। भले ही 200 लोग पहुंचते होंगे, लेकिन 2000 को पता तो लगता था कि उनके शहर से कार्यक्रम होगा, भले 20 लोगों की बात जाती हो लेकिन जाने तो लगी, इंटरैक्टिव मीडियम तो हुआ। अब उसको और इंटरैक्टिव कैसे किया जाए, तब मीडिया को लगा कि सोशल मीडिया को हम अपना दोस्त बनाएंगे, तो लिखना शुरू किया कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इस पर ईमेल कीजिए। पहले चिट्ठी लिखवाते थे, फिर कहने लगे ईमेल कीजिए, चिट्ठी लिखने में लाखों चिट्ठियां आती थी, पढ़ने के लिए 4 आदमी लिखने पड़ते थे, ईमेल में ये हो गया कि आसान हो गया, ना संभाल के रखने का झंझट हुआ, ना उसको कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए या सबूत के तौर पर संभालना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था करने की जरूरत पड़ी, सीधे सीधे तौर पर आपका रिकॉर्ड हमेशा के लिए सिक्योर होने लग गया। और 2 आदमी बैठते थे, वो अपना उसमें से दूर के पढ़ देते थे, पढ़ने के बाद आपको रिस्पॉन्स टीवी पे जिसको देने लायक लगता था टीवी पे देते थे, पर्सनली देने लायक लगता था ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट करा देते थे कि आपका मेल मिला, बड़ी खुशी हुई, आप हमें ऐसे लिखते रहिए और इतनी तारीख को इतने बजे प्रोग्राम आता है। इंटरेक्शन कैसे करें, तो हम ट्विटर पे आए, आप फेसबुक पे आए, वहां कहना शुरू किया कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इस ट्विटर हैंडल पर आ दीजिए। फिर कहना शुरू किया आपको इस पर कोई सवाल पूछना है तो इस ट्विटर हैंडल को टैग करके अपना सवाल पूछिए, हम आपके सवाल लाइव लेंगे। और बहुत से चैनल करते हैं, हम तो अभी अपने शो में कुछ सिलेक्टिव कॉमेंट्स उस समय जो आए होते हैं वो दिखाते हैं टीवी पर, तस्वीर के साथ दिखाते हैं, उससे दोनों को फायदा होता है। आप जिनको लग रहा है मेरे को मान्यता नहीं मिल रही है आई टी से, उसको टीवी से मान्यता मिल जाती है, आपका फोटो चलता है साथ में, नाम लिखा आता है, आपका विचार में लिखा हुआ, मैं मेरा एक व्यवसाय पक्का हो जाता है जो रोज देखिए ट्वीट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि आज उसका ट्वीट
पसंद किया गया है, हो सकता है कल फिर से पसंद कर लिया जाए और कल फिर से उसकी बात टीवी पर दिखा दी जाए और कल एक तो परसों एक तो नर्सों देखना है बात को फिर से नौकर आ ही जाएगा। तो दोनों ने एक रिश्ता बिल्ड कर लिया, दोनों ने एक दोस्ती बिल्ड कर ली, दोनों ने एक संबंध बना लिया। लेकिन उसमें दिक्कत कहां हुई? दिक्कत वहां हुई जहां लोगों ने वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी ट्वीट करना जारी रखा, जहां लोगों ने वो प्रोग्राम खत्म करने के बाद उन व्यक्तियों के विचारों को लेकर सवाल पूछने शुरू किए। अब इतना तो मानिए जो 20 साल से एक तरफा बोलते हुए आए, जिनको कोई आदत ही नहीं थी सुनने की, जिनको ये लगता था कि हम तो ब्रह्म ज्ञानी है, हम तो बोल रहे हैं वही सब कुछ सुनते हैं, उनसे आप उल्टे सवाल करेंगे, उनसे आप उनकी विचारधारा ग्रहण करने वाली बातें करेंगे तो बुरा तो लगेगा भाई। अगर मठाधीश बन गए कुछ लोग, उनके मठ हिलेंगे तो उनको बुरा तो लगेगा ना। अगर उनकी कई बातें पहले एकदम नकली समझ ली जाती थी कि इसके आगे कुछ सच नहीं है, उनको झुटलाने वाली बड़ी नकली आप लोग खींचने लग जाएंगे तो उनको बुरा तो लगेगा। और फिर उससे भी बढ़ गए, अगर आप में से ही कुछ लोग गाली गलौज करने लग जाएंगे तो उनको एक मौका मिलेगा ये कहने का कि देखो साहब ये लोग तो इस लायक नहीं कि इनकी बात को आगे बढ़ाए, ये देखिए इनकी भाषा है, इनकी सभ्यता है, इनकी संस्कृति है, इनका आचरण है, वहां के लोगों ने आपको डिस्कार्ड करना, डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर। हम लोग क्योंकि आप लोग क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए इसलिए उनको मौका मिल गया कि भाई इनको कैसे डिस्कार्ड करें, इनको कैसे डिस्क्वालीफाई करें। लेकिन एक बात आपको फिर बता दें कि नैरेटिव पहले एक तरफा बिल्ड होता था, अब उसको चैलेंज करना और उसको बदलने के लिए मजबूर होना सोशल मीडिया ने ही शुरू किया है। और इसके लिए वो सारे लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं, ज्ञानवान लोग हैं और सलीके से सही ढंग से बात कहना जानते हैं, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं कि एकमात्र जो नैरेटिव खड़ा रहता था उन्होंने अब मजबूर किया है कि राष्ट्रीय मीडिया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी उस दूसरे नैरेटिव की तरफ ध्यान देना शुरू करें। आज का उदाहरण दे देता हूँ और फिर इतिहास का उदाहरण देता हूँ। आज तो कठोर प्रकरण आपके सामने चार्जशीट फाइल हो गई, सरकार ने कह दिया वही ब्रह्मज्ञान हो गए, वही सत्य हो कह दिया, किसी चार्जशीट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? चार्जशीट तो एनआईए की, कोई चार्जशीट ऐसी नहीं जो आज तक चैलेंज नहीं की गई टेलीविजन मीडिया, तो भाई जम्मू कश्मीर पुलिस की चार्जशीट को आप क्यों नहीं चैलेंज कर सकते? लेकिन चैलेंज करने के लिए तथ्य चाहिए, वो तथ्य कहां से आएगा? वो तथ्य आया फिर सोशल मीडिया से। और वो जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया के आप ऐसे सिपाहियों से आए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगा भाई मेरी बात पहुंच नहीं रही तो मैं ट्विटर अकाउंट के जरिए लिखता हूं, उन्होंने लिखनी शुरू की, फिर उन्होंने से किया। ऐसा भी है, मैंने फिर अपने सिस्टम को वहां पर एक्टिवेट किया, उसने कहा हाँ ऐसी चीजें हैं, फिर मैंने उस बात को सार्वजनिक मंच से उठाया अपने सोशल मीडिया माध्यम से, जो बात आपके 10,000 लोगों तक जारी थी वो मेरे 10,00,000 तक गई, और 10,00,000 तक जाने के बाद वो अपने आप में एक मुहिम बन के खड़ी हो गई, और फिर जब वो मुहिम बन के खड़ी हो गई तो बाकी सारे मीडिया जो उसको क्वेश्चन कर रहे थे उनको भी मजबूरन जाना पड़ा कि भाई इस पर्सपेक्टिव से भी तो देखें कि वो देवी स्थान था वहां कितनी पूजा होती थी, वो देवी स्थान था उसमें 4 खिड़कियां 3 टूटी हुई हैं, उसमें से क्या बिल्कुल संभव नहीं है कि अंदर कोई 7 दिन तक बंधक बना के रखे रखे किसी को दिखाई न दे। वो सारी बातें फिर टीवी पर चलाने को मजबूर होना पड़ा कि नहीं? तो सोशल मीडिया ने वो नैरेटिव जो एकमात्र नैरेटिव बिल्ड हुआ था उसको चेंज होने पे मजबूर कर दिया। दूसरा, दिल्ली के पास मदरसे में बच्चे के साथ रेप हुआ, किसी ने खबर नहीं चली, किसी ने चर्चा नहीं की, किसी ने उसको उस तरीके से सामने नहीं रखा, तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया भाई क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा, इस पर क्यों नहीं आपको गुस्सा आ रहा, इस पर क्यों नहीं आप नाराज होते? तो हमने कहा कि नहीं हमें तो गुस्सा आता है, हमने प्रोग्राम किया मदरसे में, पाप तो चुप रह गया, बहस हो गई टीवी पर, जब एक जगह हुई तो बाकी जगह भी हुई तो फिर सारे एक्टिव हुए तो जो लोग ये झूठ फैला रहे थे कि भाई रेप करने वाला नाबालिग है वो पकड़ में आए, क्योंकि जांच एजेंसियां पुलिस दबाव में आई, उनको सारे तथ्य सार्वजनिक करने पड़े, क्योंकि अखबार वाले रोज पूछने लगे जा रहे, टीवी वाले रोज पूछने लगे जाके भाई एफएसएल की रिपोर्ट का क्या हुआ, बताइए उसमें क्या तथ्य सामने आए। तो 3 दिन बाद छप गया कि नहीं भाई रेप का आरोपी तो बालिग है। लोगों ने कहा कि नहीं मौलवी साहब का तो कोई रोल ही नहीं था, वो तो थे ही नहीं वहां पर, लेकिन टीवी मीडिया ने रोज जाके पूछा, तो फाइनली जांच टीम को मौलवी साहब को अरेस्ट करके उनके ऊपर भी पॉक्सो लगाना पड़ा। तो ये तो आपकी और मीडिया की मिली कामयाबी है। तो फिर हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे हुए भाई? हम तो एक दूसरे के पूरक हुए। जो कहीं अगर कोई चीज ऐसी मिस हो जाती है जो कि शायद किसी वजह से कई जगह होता होगा जानबूझ के, लेकिन कई जगह ऐसे ही मिस भी हो जाती होगी, वो अगर ऐसे ही मिस हो गई है जानबूझ के नजरअंदाज करने का मकसद नहीं है,
तो वो आप लोगों के रास्ते से सामने आ जाती है, और जब सामने आ जाती है तो हम लोग उस पर काम करते हैं, और जब हम उस पर काम करते हैं तो फिर वो हमारा और आपका मिला जुला एफर्ट हो जाता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मीडिया और सोशल मीडिया दोस्त ही। और मैं तो आपको बताऊं, मेरा जो कार्यक्रम जी न्यूज में स्टार्ट हुआ था ताल ठोक के, हमने उसमें सोच ही यही रखी थी सोशल मीडिया से विषय उठाएंगे। किसी ने मैसेज किया, ट्वीट लिखा, मुझे आज तक उनका नाम भी याद है, आशीष नाम था, कानपुर के रहने वाले, मेगा साहब की रात में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के बच्चों को बहुत बुरी तरह मारा गया, क्योंकि विधायक के गुंडों के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, तो विधायक के गुंडों ने रात में आके जो डॉक्टर बनने वाले लड़के हैं उनको आतंकवादियों की तरह मारा, और उठा उठा के तीसरे मंजिल से नीचे फेंक दिया, एक की तो कमर टूट गई है, हड्डियां टूट गई है उसकी, आप इसको आगे देखिए तो सही। तो हमने कहा अच्छा चक्कराते, चक्कराया तो पता लगा वाकई ऐसा हुआ था, उसमें बहुत सारे तथ्य निकले, पेट्रोल पंप पे झगड़ा हुआ था, वहां का सीसीटीवी फुटेज निकल आया, वहां से झगड़े की शुरुआत हुई थी, फिर रात में हॉस्टल में गुंडों ने हमला किया था, समाजवादी पार्टी के समर्थित विधायक थे, फिर 500 लोगों की उनका नाम था, उस मामले को हमने टीवी पर चलाना शुरू किया, और ताल ठोक के शुरुआती एपिसोड में हमने उस पर एक बहस रखी, जिसमें हमने विधायक महोदय की जो तस्वीरें अखबारों में छपी थी कि वो आईसीयू में भर्ती है, वो सारी तस्वीरें भी निकाली, और विधायक साहब को कहा कि आप लाइव आइए प्रोग्राम, वाकई बैठे प्रोग्राम में, बहुत उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है वैसा है ये है वो है, आईएमए को भी बुलाया, ये गुंडे हैं लड़के, ये बदतमीजी कर रहे थे, ये मार रहे थे, ये ऐसा कर रहे थे, मुझे तो चोट लग गई है, मैं तो आईसीयू में भर्ती था। तो हमने कहा कि फोटो छपी है दैनिक जागरण में आपकी आईसीयू में भर्ती है, वो तस्वीर मेरे पास है, उसमें यहाँ चोट लगी है, आपके यहाँ तो कोई निशान दिख नहीं रहा, इतना क्या डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी, रातों रात आपका निशान ही गायब हो गया। बोले नहीं चोट तो मेरे पीछे लगी थी। मैंने कहा ये फोटो में जो यहाँ तो खून यहाँ दिख रहा, अब तो आप एक काम करें घूम जाइए पीछे का दिखाइए। बोले क्या बोल रहे हो? मैंने कहा घुमाइए इस कुर्सी में पहिए लगे जिसमें आप बैठे हैं, अपना सर जो है वो कैमरे के सामने कर दीजिए और दिखाइए कि यहाँ आपको लड़कों ने मारा था, चोट लगी है पीछे आपके सर पे। तो वो ऐसे ऐसे करने लगे, यहाँ चोट है यहाँ चोट है। मैंने कहा इस कुर्सी में पहिए हैं, वो कानपुर में बैठे थे, मैं दिल्ली में बैठा था। मैंने कहा इस कुर्सी में पहिए हैं, इसको घुमाइए, वरना देश की जनता देख रही है आप झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं घूमूंगा तो नहीं। तो हमने कहा ठीक है फिर सच सामने है सबके, सबको दिख रहा है। मजबूरन उस पर अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि वहां से सच सामने आ गया। लेकिन वो खबर कहां से आई थी? गौरव जी याद कर रहे हैं उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे। अच्छा हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं क्योंकि हम हर दिन लगभग हर रोज चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पे अटैक भी करते हैं, डिफेंड भी करते हैं, और इनको पता ही है मेरा फेवरेट है, मैं अक्सर इनको याद दिलाता हूँ पहले समाजवादी पार्टी में थे। खैर वापस आता हूँ, तो एक नहीं दो नहीं, मैं आपको इस तरह के सैकड़ों वाक्य बता सकता हूँ जिसमें कि बाकी मीडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन जहां पर मैं था या जहां जहां भी मैं रहूंगा, हम उन चीजों को, उन बातों को, उन तथ्यों को लेकर सामने जनता के जरूर रखेंगे जो सोशल मीडिया से भले ही आ रही हो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। ऐसा थोड़ी है कि हर आदमी झूठी लिख रहा है, ऐसा थोड़ी है कि हर आदमी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बैठा है। भाई बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने कुछ होता है वो वहां डालते हैं क्योंकि उनकी पहुंच नहीं है। आजकल आप देखते हैं हर चैनल पे वायरल वीडियोस के सेक्शन चलते हैं, ये वीडियो वायरल है, कुछ ने धंधा बना लिया कि हम वायरल का टेस्ट करेंगे ये सच है कि झूठ है, कुछ फैक्ट चेकर की दुकान चलाने लगे कि भाई एक ही दुनिया के फैक्ट चेक करेंगे दूसरी दुनिया के नहीं करेंगे, तो उससे देखिए कितने लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन वायरल वीडियोस का एक सेगमेंट तो चल रहा है ना हर जगह पे, वो क्या दिखाता है? वही दिखाता है ना कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आजकल, लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो आप देखते हैं आपको लगता है। अभी अभी किसी ने व्हाट्सएप किया, देखो दिल्ली की सड़क पर शेर घूम रहा। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा दिल्ली की सड़क पर इतनी खाली नहीं हो सकती, ये गुजरात में कहीं है, चेक कराओ सड़कें वहां भी इतनी बड़ी बड़ी है। तो थोड़ी देर उनका जवाब आया, हाँ मैंने अपने दोस्त से पता किया, फिर उन्होंने उनको जिसने भेजा था उन्होंने उससे पूछा, फिर उनको जिसने भेजा था उन्होंने उससे पूछा, वो गुजरात का ही वीडियो था। तो मैंने कहा गुजरात में ऐसे शेर घूम सकता सड़क पे, दिल्ली में शेर आने की हिम्मत नहीं करता है। तो इस तरह के वीडियोस कितने आते हैं जिनको हम आके तुरंत पोस्ट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं कि देखो देखो ऐसा हो रहा है, देखो देखो ऐसा हो रहा है, और टीवी का एक सेगमेंट जो है वो उसी से सर्वाइव भी कर रहा है, उसको टीआरपी भी मिलती है, उसको लोग देखते भी हैं क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। ये देखिए बीजेपी के विधायक कैसे मंच पर ठुमके लगा रहे हैं डांसर के साथ, कल रात में चल रहा था टीवी पर राजस्थान के लिए, अब मालूम पड़ा कि विधायक तो बेचारा मंच पर खड़ा हुआ था माला लेके,
तुमके कोई और लगा रहा था, नबके विधायक थी उसमें, क्योंकि उस जगह होना ही उनके लिए अपने आप में शर्म की बात थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों के लिए हमेशा एक स्पेस, एक स्कोप बना रहेगा, बचा रहेगा। आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, बस कि आप लोग जो बातें कहते हैं, आप लोग जो चीजें सामने लाते हैं, आप लोग जो लिखते हैं, वो तथ्य पर आधारित हो। जैसा थोड़ी देर पहले माननीय जी कह रही थी कि आप कहानी भी बुने, उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाए, लेकिन उसके साथ आप अपना विचार देंगे तो वो ज्यादा आसानी से जाएगा। भाई किसी को आपने गोली खिलानी है, वो नहीं खाता दवाई, उल्टी कर देता बार बार, तो डॉक्टर कहता नहीं तो गुलाब जामुन में डाल के दे दो खा जाएगा, तो गुलाब जामुन में दे दो ना, उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत करो, ताकि एक आपके ऊपर भरोसा कायम हो, दो आपके साथ संवाद करने का मन करे, और तीन आपको गाली देने वाला कह के आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा के समाज से बहिष्कृत करने की स्थिति ना पैदा कर दीजिए। क्योंकि आप मुख्य धारा में रहेंगे अगर, तभी तो आपकी बातों की स्वीकृति होगी। अगर आप गाली देने वाला, ट्रोल कहला के किनारे कर दिए जाएंगे, तो फिर आपकी वो स्वीकारता कम होती चली जाएगी, भले फिर पीएम नरेंद्र मोदी आपको फॉलो करते हो या ना करते हो। और ज्यादा स्वीकारता उन्हीं की खत्म करने की कोशिश की जाती है जिनको ऐसे बड़े लोग फॉलो करते हैं, जिनके पीछे उनका माना जाता है कि इनका हाथ है, हाथ भले नहीं होता लेकिन वो फॉलो कर रहा, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि भाई देखो ये इसके विचार से सहमति रखता है, तभी इसको फॉलो करता है। तो वहां पर आपकी भी एक जिम्मेदारी हो जाती है। दूसरा मैं एक बड़ी चीज कहता हूं खत्म करने से पहले, टीवी पर मैं अक्सर कहता हूं, कई लोग इससे नाराज भी होते हैं, मैं कहता हूं कि भाई देखो सोशल मीडिया है, नाई की दुकान, नाई की दुकान पे जाते हो आपको हर तरह की जानकारी उपलब्ध रहती है, लेकिन उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये चेक कराना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। कोई भी चीज आप अगर एक मंच से किसी और बड़े मंच पे ले जा रहे हैं, मसलन मैं कोई चीज पढ़ के आया हूं विकिपीडिया से जिसको कोई भी एडिट कर सकता है, और यहां बैठ के मैं उसको उदाहरण के तौर पे रख देता हूं आपके सामने, और उसमें से कोई इतिहास का पढ़ा हुआ ज्ञानी आदमी चैलेंज कर देता है कि नहीं साहब उस किताब में ऐसा नहीं ऐसा लिखा हुआ है, आप तो गलत बता रहे हैं, और मैं कहता हूं कि साहब मैंने तो विकिपीडिया में कहा पढ़ा था, तो वो मेरी बुद्धि का स्तर उतने भी समझ जाएगा, वो कहेगा अच्छा ये विकिपीडिया को ऑथेंटिक मानता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। गूगल बताता है 179,000 पेज आपकी सर्च से संबंधित मैंने खोले हैं, और ये पहला विकिपीडिया वाला पढ़ के आगे बढ़ जाता उसी संतुष्ट हो जाता है, तो इसकी बुद्धि का अंदाजा वो उसी से लगा लेता। तो आप भी कोई भी चीज जब आगे बढ़ाते तो कम से कम उसकी तथ्यात्मकता की पुष्टि कर लेते, बस उसके अलावा उसकी उसका कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मसलन व्हाट्सएप पे तो खैर आप लोग मुझे लगता है उस तरह के काम नहीं करते होंगे, जैसे मैसेज आता है कि भाई ये लड़की मेरे से लापता है, इसके पिताजी बड़े परेशान हैं, ये उनका नंबर है, आपको कहीं भी देखने मिले तो इस नंबर पे फोन करके जानकारी दें। अधिकतर लोग क्या कहते हैं, उनके फोन में 5-7-10-12 ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के, हर ग्रुप में 100-150 उनके दोस्त भाई बहन रिश्तेदार जानने वाले दफ्तर वाले जुड़े हुए होते हैं, बेचारे सामने वाले जुड़े हुए होते हैं, उस सब में तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं और वो अपने अपने से कर देते हैं आगे, तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। मेरे पास जब भी ऐसा कोई मैसेज आता है मैं क्या करता हूं, मैं पहले फोन करता हूं। तो ऐसे ही एक भाई साहब को मैंने फोन किया, मैंने भाई साहब की बेटी को ये क्या, बोले भाई साहब 4 महीने पहले कोई थी, जैसे स्कूल के लिए निकलती है कोई ना कोई पकड़ के घर छोड़ जाता कहता है व्हाट्सएप पे इसकी फोटो आई है बोला जी क्या करूं, मैंने कहा भाई या तो फोन नंबर बंद कर ले या बेटी को घर में बंद कर ले, यही दो रास्ते हैं, तीसरा तो है नहीं। तो आप समझिए कि आपका एक फॉरवर्ड मैसेज उसके जीवन में कितनी दवाई ला रहा बेचारी, वो स्कूल भी नहीं जा पा रही है, तो आप भाई उसका कम से कम तथ्य चेक तो कर ले, ये वाकई गुम है या मिल गई है, और अगर वाकई गुम है तब तो फॉरवर्ड करने का मतलब है। कई लोग मैसेज चला देते हैं, ये वाला मैसेज फॉरवर्ड करेंगे तो व्हाट्सएप को 50 पैसे जाएंगे, और जो बीमार आदमी है जिसके इलाज के लिए पैसा जाना है उसको जो है आपके मैसेज से 1 रुपया जाएगा, तो आपको लगता है चलो यार ठीक है मेरे 1.5 रुपये से किसी का भला होता तो मैं कर देता हूँ। वो लाखों लोग उसको बढ़ा दे रहे हैं जिसकी फोटो लगी उसको पता भी नहीं है, और मैं अभी खोल के दिखा दूं, कल तो मेरे पास दिखाई देता हूं, जिसने भेजा था उसने मजाक में भेजा था लेकिन वो चल रहा है और लोग उसको शेयर कर रहे हैं। एक सज्जन है हॉलीवुड के अभिनेता है और उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउनी जूनियर, उनको आप आयरन मैन के नाम से जानते हैं, ये देख लीजिए उनकी यहाँ छाती में वो आयरन मैन को एनर्जी देने वाला वो चक्र लगा रहता है, तो उनकी फोटो लगा के किसी ने लिखा हुआ है इस आदमी को दिल का कैंसर हुआ है जिसकी वजह से ये फिलहाल मशीनों की वजह से जिंदा है, इसके ऑपरेशन के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है।
अगर आप इस पोस्ट को शेयर करेंगे तो फेसबुक इसे 50 पैसा प्रति शेयर देगा। दोस्तों हम इसकी जान बचा सकते हैं, आपका एक शेयर किसी को जिंदगी दे सकता है। प्लीज इस गरीब की मदद करें, आमीन। मानवता की खातिर शेयर जरूर करें। अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को यह पता लग जाए, जो कि हॉलीवुड का सबसे अमीर अभिनेता है, सबसे अमीर अभिनेता, एक तो हॉलीवुड का, हिंदुस्तान वालों से तो वैसे ही अमीर होगा, और हॉलीवुड में भी सबसे अमीर अभिनेता है, कि उसकी फोटो चल रही है और शेयर करने पे फेसबुक के जरिए 50 पैसे उसको मिलेंगे, तो वो शर्म के मारे मर जाएगा। लेकिन ये भी सोशल मीडिया है, और जो दिक्कत है ना वो आपके तथ्य लिखने से नहीं है, वो इन चीजों से है। जो समस्या है ना वो आपके तथ्य लिखने से नहीं है, वो ऐसे वीडियोस, ऐसी बातें लिख के शेयर करने से है, जिनसे मेरठ में, देवबंद में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, कहीं भी अचानक 2 मिनट में दंगा हो जाता है, आग भड़क जाती है, किसी के घर की बीवी, किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का पति मार दिया जाता है। दिक्कत वहां होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी वजह से दंगे होते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप अगर चाहें, आप अगर थोड़े से सावधान हो जाए, तो ऐसी किसी भी बड़ी घटना को, किसी भी बड़ी दुर्घटना को, किसी भी बड़ी वारदात को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बस इतना ही मुझे कहना है। अब इससे आप खुद तय कर लीजिए, सोशल मीडिया मीडिया का दोस्त है या दुश्मन है। आधा अधूरा इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मन है, तरीके से अगर उसके साथ हाथ मिला के खड़े होंगे तो उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं।